नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। मीडिया को कानूनी दाव पेचों की जानकारी देने के उद्देश्य से पुलिस विभाग के द्वारा पुलिस लाइन 2 सड़क के सभागार में किया गया सेमिनार का आयोजन। सेमिनार में क्राइम से जुड़ी हुई आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं की जानकारी की गई प्रदान। जिला हमीरपुर के अंडर 14 वर्ग के लड़कों की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने खेलकूद प्रतियोगिता में 30 स्कूलों के लगभग 368 खिलाड़ी लेंगे भाग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति की एक बैठक हमीर भवन में की गई आयोजित। प्रदेश सरकार द्वारा जारी विकास राशि का आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में सदुपयोग हो, कहा आशा कुमारी ने। सुजानपुर कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों की तैयारियों का कर दिया आगाज। बैठक में नई पर्यवेक्षक अंजना दीवान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।